मैं क्षितिजा, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तीन तलाक पर नया बिल लगाएगी सरकार, मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला। मोदी कैबिनेट ने फैसला किया है कि सरकार तीन तलाक पर नया बिल लगाएगी। नया विधेयक 17 जून से शुरू हो रहा है, 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में पेश किया जाएगा। संसद में पारित होने के बाद प्रस्तावित विधेयक इस साल की शुरुआत में लागू अध्यादेश की जगह लेगा। मुस्लिम महिलाओं को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार संसद सत्र में तीन तलाक बिल पेश करेंगी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि पुराने अध्यादेश को ही बिल को तब्दील किया जाएगा। पिछले महीने 16वीं लोकसभा भंग होने के साथ यह विवादित विधेयक निष्प्रभावी हो गया था, क्योंकि यह संसद द्वारा पारित नहीं हो सका और यह राज्यसभा में लंबित था। राज्यसभा में पेश विधेयक लोकसभा भंग होने के बाद भी निष्प्रभावित नहीं होते हैं। लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित विधेयक हालांकि निष्प्रभावी हो जाते हैं। विपक्ष ने किया विरोध। विपक्ष राज्यसभा में विधेयक के प्रावधानों का विरोध करता रहा है और राज्यसभा में सरकार के पास संख्या बल की कमी है। एक बार में तीन तलाक की परंपरा को दंडनीय अपराध बनाने वाले मुस्लिम महिला विधेयक का विपक्ष दलों ने विरोध किया। विपक्ष का दावा है कि आपकी पत्नी को ताकत देने वाले पति के लिए जेल की सजा कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है। सरकार दो बार तीन तलाक पर अध्यादेश लागू कर चुकी है। मुस्लिम महिला अध्यादेश 2019 के तहत एक बार में तीन तलाक गैर कानूनी और शून्य रहेगा और ऐसा करने वाले पति के लिए 3 साल के कारावास का प्रावधान रहेगा। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।